नमस्कार, हमारी खास पेशकश 24 के चैंपियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि इस कड़ी में हम भारतीय राजनीति के उन चेहरों पर बात कर रहे हैं जिन पर चुनाव भी टिका हुआ है या जो चुनाव को बहुत पॉजिटिवली अपने व्यक्तित्व और अपने काम से प्रभावित करने वाली पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, और जिन्हें हम भारतीय जनता पार्टी के लिए चाणक्य जैसे स्कॉलर का दर्जा देते हैं, उनकी यानी अमित शाह जी की। अमित शाह एक ऐसे राजनेता, मेहनत जिनका संकल्प है, लगातार भारतीय जनता पार्टी को सफलताओं की तरफ ले जाना जिनका कमिटमेंट है, और भारतीय जनता पार्टी और अपने प्रिय पात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो हनुमान की तरह है। कश्मीर ठीक रास्ते पर आए। अमित भाई, क्या कर रहे हैं आप? कोशिश हो जाएगा साहब, बिल्कुल हो जाएगा। 370 हो जाएगा सर, ट्रिपल तलाक हो जाएगा सर। इन सारी चीजों को प्रधानमंत्री सोचते हैं और नीचे उसको जमीन पर ले जाने का काम, बड़े फैसले जो हैं उनको अमित शाह अंजाम देते हैं। और चुनाव में जहां मुश्किल आती है उस मुश्किल को आसान बनाने का काम करते हैं अमित शाह। तो आज के इस एपिसोड में बात भारतीय राजनीति के इस अहम राजनेता, नाम है अमित शाह। अमित शाह जी की बात करें तो उनके प्रशंसक उनकी तुलना भारतीय राजनीति के दिग्गज राजनेता सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी करते हैं, जिनके लिए एक शब्द ध्यान में आता है, लौह पुरुष, आयरन मैन। एक किस्सा मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा याद आता है। जब हैदराबाद के निज़ाम नहीं चाहते थे कि हैदराबाद भारत का हिस्सा हो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको दिल्ली बुलवाया। और आप जानते ही हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का चेहरा एक बड़ा अलग चेहरा था, एक बड़ा रौबदार चेहरा था, खुरदुरा चेहरा था, आंखें बड़ी मोटी मोटी और गहरी थी। और उन्होंने जानबूझकर मीटिंग के दौरान अपने कमरे की लाइट्स कम रखी और पीछे एक सर के ऊपर एक बड़ा लैम्प जिससे पूरी रोशनी सिर्फ उनके चेहरे पर पड़े। देखिए, ये बड़े साइकोलॉजिकल गेम होते हैं। हैदराबाद के निज़ाम ठसक के साथ आए, बैठे, और जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी आंखों में झांका तो मामला बदल चुका था, मंजर बदल चुका था। और निज़ाम सहमत थे कि हैदराबाद भारत का हिस्सा होगा, और निकलते समय उनके कंधे झुके थे क्योंकि वो वल्लभ भाई पटेल का सामना ही नहीं कर पाए थे। अमित शाह जी के बारे में बात करें तो वो एक टास्क परफॉर्मर है। कश्मीर हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जिसको कहा जाता है कि वो सरकार बनाने की चाबी है, अमित शाह जहां भी होते हैं न वहाँ किसान मूवमेंट का असर होता है, बल्कि वहाँ एक ऐसी रणनीति होती है जो रणनीति विपक्षी दलों को निरुत्तर कर देती है। और यही वजह है कि पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, अगर किसी के नाम का डंका बजता है बीजेपी में तो वो नाम है अमित शाह। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। और इस तरह देश को दूसरा लौह पुरुष मिल गया। तारीख थी 5 अगस्त 2019। लोकसभा में धारा 370 हटाने की प्रक्रिया के दौरान अमित शाह के ये तेवर जिसने भी देखे उसने यही कहा, और एक दिन में ही अमित शाह को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के समकक्ष खड़ा किया जाने लगा। लेकिन अमित शाह की कहानी एक दिन की नहीं, एक बरस की भी नहीं, बल्कि इसके पीछे है सालों की जीतोड़ मेहनत, धीर गंभीर अनुशासन, मजबूत इरादा और देश पर मर मिटने का जज्बा।
मैं आपको बताता हूँ, इस देश को अब कभी भी इस देश का विभाजन नहीं हो सकता। सियासत के इस मोदी युग में अगर किसी एक शख्सियत ने लोगों के जहन में जगह बनाई है तो वो नाम है अमित शाह। उन्हें मोदी का सारथी भी कहा जा सकता है, जिसे पता है कि युद्ध भूमि में अपने महारथी का रथ किस रास्ते से सुरक्षित और विजय पथ तक ले जाना है। मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां जहां जाता हूं एक ही नारा मिलता है, मोदी 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 के नारे। जब विपक्ष पीएम मोदी की बढ़ती उम्र और बीजेपी में पीएम पद के दावेदार को लेकर तंज कसता है, तब अमित शाह पुरजोर तरीके से कहते हैं कि मोदी ही उनके नेता हैं और इस देश के पीएम बने रहेंगे। इस तरह वो बड़ी विनम्रता के साथ पीछे हट जाते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना। बीजेपी में अगर आप देखें, पहले जनसंघ और जनसंघ के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ एक जोड़ियों की परंपरा भी नजर आती है। पहले अटल आडवाणी की जोड़ी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी, और ये बीजेपी का एक अनुशासन है, एक समर्पण है जो संगठन से आता है कि जो व्यक्ति नंबर दो की भूमिका निभाता है वो अपनी कोई महत्वाकांक्षा जैसे रखता ही नहीं है। उसका एक ही काम होता है कि जो भी प्रधानमंत्री है या जो भी सरदार है वो कैसे असरदार होकर पूरे देश में अपना विस्तार करे, अपनी पार्टी का विस्तार करे, अपने व्यक्तित्व और अपनी लोकप्रियता का विस्तार करे। अमित शाह जी का भी एक ही उद्देश्य है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की जोड़ी एक बेमिसाल और लाजवाब जोड़ी है। सियासत की वर्कशीट पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ग्राफ लगभग एक ही पॉइंट से ऊपर उठता है और फिर साथ साथ चलते हुए अपने शिखर तक पहुंचता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी सियासत की वो जोड़ी है जिसकी कोई सानी नहीं। शाह सियासत में मोदी की परछाई नहीं बल्कि उनका ही एक हिस्सा नजर आते हैं। अमित शाह कॉलेज के दिनों से ही आरएसएस के साथ जुड़े रहे और 1982 में संघ में ही उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले सालों में ये जोड़ी भारतीय राजनीति के इतिहास का एक बहुत मजबूत हस्ताक्षर बनने जा रही है। शाह ने 1983 में संघ से अलग होकर एबीवीपी के साथ अपना सफर शुरू किया। बाद में वो बीजेपी युवा मोर्चा के साथ जुड़े और वार्ड सेक्रेटरी, तालुका सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी से होते हुए उपाध्यक्ष और महासचिव के पद तक पहुंचे। उनको आज सियासत में चाणक्य का दर्जा दिया जाता है। उनकी बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स की सबसे पहली झलक साल 1991 में देखने को मिली, जब उन्होंने गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी संभाली और यहीं से युवा अमित शाह बीजेपी के बड़े नेताओं की नजर में आ गए। मोदी और शाह की जोड़ी ने पहला कमाल 1995 में किया, जब गुजरात में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद नरेंद्र मोदी जहां केंद्र की सियासत में व्यस्त होते चले गए, वहीं अमित शाह गुजरात की राजनीति में अपने आप को मजबूत करने लगे। इनकी कहानी में नया मोड़ साल 2002 में आया,
जब नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाकर भेजा गया, अब मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद शख्स अमित शाह को सबसे महत्वपूर्ण गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। आने वाले 13 सालों तक गुजरात ने विकास की जो गाथा लिखी, उसकी बात आज तक न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में होती है। गुजरात में मोदी और अमित शाह ने न केवल सियासत के सारे गुर सीखे बल्कि गुड गवर्नेंस को लेकर कई कामयाब प्रयोग किए, जिनका इस्तेमाल अब राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है। 2002 से 2014 तक मोदी और शाह की जोड़ी गुजरात को गढ़ती रही, लेकिन किस्मत दोनों के लिए और भी बड़े टारगेट तय कर रखे थे। वो वक्त भी आया जब 2014 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। जैसा हमने आपसे पहले कहा कि अमित शाह जी को टास्क परफॉर्मर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो न सिर्फ सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है बल्कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट और विधानसभा सीट्स भी इसी राज्य से आती हैं। और कहा जाता है कि आप अगर दिल्ली के तख्त तक पहुंचना चाहते हैं तो बजरिए लखनऊ गुजरना होगा। और जब पहली बार उत्तर प्रदेश की कास्ट पॉलिटिक्स से अमित शाह जी रूबरू हुए तो पॉलिटिकल समीक्षक भी मान रहे थे कि यहाँ दाल गलेगी नहीं, यहाँ बीएसपी है, यहाँ समाजवादी पार्टी का बेस है, ये कास्ट की राजनीति का गढ़ है। लेकिन अमित शाह तो अमित शाह हैं, उन्होंने इन सारे इक्वेशंस को न सिर्फ बुलडोज किया, ध्वस्त किया, बल्कि उत्तर प्रदेश को बीजेपी के एक अद्भुत गढ़ के रूप में स्थापित कर दिया। और यही वजह है कि बीजेपी का दिल्ली का रास्ता बहुत साफ होता चला गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इधर मोदी पीएम फेस बने और इसी के साथ शाह का नया मिशन शुरू हुआ। उन्हें देश में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। यूपी में अमित शाह ने सियासत की बिसात पर ऐसी गोटी जमाई कि बीजेपी ने यहां 78 सीटें जीती। यूपी की बंपर जीत ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। चुनाव के फौरन बाद यूपी फतेह का इनाम भी अमित शाह को मिला। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद सौंप दिया गया और शाह की इस लीडरशिप में बीजेपी ने जैसे कामयाबी का रास्ता ही चुन लिया, एक के बाद एक सफलताएं उसके कदम चूमती रहीं। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी और इसके साथ बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भी सच होता दिखने लगा। साल 2019 में भी ऐतिहासिक सफलता के साथ बीजेपी सत्ता में वापस लौटी और नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसी के साथ अमित शाह फिर एक नई और बड़ी भूमिका के लिए तैयार थे। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में मिली बंपर सफलता के बाद बीजेपी और बड़ी ताकत के साथ सत्ता में वापस लौटे। मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार अमित शाह का कद और बढ़ा, उन्हें मोदी सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। ।2019 का जनादेश सामने आने के बाद सियासी पंडितों ने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव अमित शाह के सियासी करियर का चरम है, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि अमित शाह के लिए तो ये नए शिखर तक पहुंचने की शुरुआत भर है।
केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी मिलते ही शाह देश का नया इतिहास बनाने निकल पड़े। शाह ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया गया, साथ ही इसे दो राज्यों में भी बांट दिया गया। पूरी दुनिया बस देखती रह गई, लेकिन कश्मीर में शांति बहाली के साथ फिर चैनो अमन का रास्ता साफ हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन ने बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे। इस सदन के समय समय पर के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह का दूसरा बड़ा कदम था नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब शाह उस बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे जिसका संकल्प कभी बीजेपी ने एक देश एक विधान के रूप में लिया था। आज भारतीय राजनीति में पीएम नरेंद्र मोदी की जो विराट छवि है उसे गढ़ने और संवारने वाले शाह ही हैं। इस समय जब हम आपसे रूबरू हैं इस स्पेशल प्रोग्राम के जरिए, तो एग्जिट पोल के अनुमान भारतीय जनता पार्टी के लिए गहरी मुस्कुराहट का सबब बन चुके हैं। 4 जून के नतीजों का देश इंतजार जरूर कर रहा है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान कह रहे हैं कि 350 पार, और इक्का दुक्का एग्जिट पोल के अनुमान तो ये भी कह रहे हैं कि 400 पार भी हो जाएगा। और इसके पीछे निश्चित तौर पर बीजेपी की मेहनत है, समर्पण है, संगठन की ताकत है, लेकिन इसके साथ ही अमित शाह का वो अनुशासन भाव भी है जो बताता है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी और पार्टी से पहले भी नेशन फर्स्ट की अवधारणा के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ अरसे पहले जब बंसल न्यूज ने उनसे बातचीत की थी तो हमने उनसे पूछा था कि आप यानी भारतीय जनता पार्टी जब डिसीजन लेती है तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े और कड़े फैसले लेती है और कई बार अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में भी नहीं सोचती है, तो अमित शाह जी का जवाब बहुत दिलचस्प था। क्या उन्होंने बंसल न्यूज से बातचीत में कहा था, सुनिए। बीजेपी बड़ी तेजी से देश को आगे ले जाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से आज तक कभी भी ऐसा फैसला नहीं लिया जो लोगों को अच्छा लगे। हमने ऐसे फैसले लिए जो लोगों के लिए अच्छे हो जी, जो लोगों को फायदा कराते हैं। जीएसटी आज शुरुआती दिक्कतों को छोड़ दीजिए, मैं पूरी संवेदना के साथ छोटे व्यापारी छोटे उद्योग और जिनको तकलीफ पड़ी उनके साथ खड़ा हूँ, मेरी सरकार भी खड़ी है पूरी संवेदना के साथ, मगर ये टीथिंग प्रॉब्लम जो थे उसको छोड़ दीजिए तो धीरे 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 जीएसटी अब देश के अर्थतंत्र को बढ़ावा दे रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और थिंक टैंक कहे जाने वाले विनय सहस्त्रबुद्धे जी से भी बंसल न्यूज़ ने जब बात की और अमित शाह जी के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने काफ़ी दिलचस्प बातें हमसे साझा की। सुनिए क्या कुछ कहा था विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने अमित शाह जी के व्यक्तित्व को लेकर। कविता मजरू सुल्तानपुरी और अमृता प्रीतम जी जी जी, उनकी जो प्रेम कहानी है जी जी जी, उसके प्रति मतलब उनको बारीकी से उन सारी चीजों का पता है जी। फिर जी भारतीय विचार संपदा के जो स्रोत है एक दृष्टि से जी, जैसे आर्य चाणक्य है, विवेकानंद है, दीनदयाल उपाध्याय है, इन सबों के बारे में उनका गहरा अध्ययन है सर। सर तो वो अध्ययन होने के कारण उन्होंने एक बार महागी प्रबोधनी की कहा कि मैं चाणक्य के ऊपर एक लेक्चर दूंगा और वो पुणे में आप एक बहुत बढ़िया तरीके से भाषण आयोजित करें। तो एक इंटेलेक्चुअल समुदाय को उन्होंने एड्रेस किया ऑन आर्य चाणक्य जी। कई बार लोगों को लगता है कि वो केवल राजनेता है, मैं कहूंगा कि वो भी एक सोचने वाले राजनेता है। जैसे उन्होंने एक
चुनाव के समय पार्टी कार्यकर्ताओं को इसका एहसास दिलाया था 2019 की बात में कर रहा हूँ जी, कि हम केवल चुनाव जीतने वाला मशीन ऐसे रूप में पार्टी को नहीं देखना है। हम वी आर नॉट ए मशीन पार्टी, वी आर ए मिशन पार्टी। अमित शाह जी से जब हमारी बात हुई थी तो हमने उनसे ये भी पूछा कि आप बड़े अपरेंटली यानी बड़े सख्त प्रतीत होते हैं, आपको बहुत औपचारिक रहना पार्टी की बैठकों में पसंद नहीं है, आप गुलदस्ते पसंद नहीं करते लेना, आपको बहुत ज़्यादा प्रशंसा के कोई कसीदे काढ़ता है तो वो आपको पसंद नहीं है, आप रोक देते हैं तुरंत कि भैया मुद्दे पर आ जाओ। तो उन्होंने अपनी शैली में इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा चुनाव के समय हमारा रूप स्वरूप दूसरा होता है क्योंकि वो परिस्थितियाँ अलग होती हैं, वहाँ गुलदस्ते लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन पार्टी की बैठकें बड़ी सादगी से होनी चाहिए और मुद्दे पर बात होनी चाहिए। जब आगे हमने ये भी पूछा कि आप थोड़ा मंत्र दीजिए कि राजनेता कैसे सफलता के सिरे को पकड़कर आगे बढ़ें और तनाव भी ना लें, तो ये राजनेता एक ऐसा राजनेता भी है जो अपने बारे में बात करना बहुत कम पसंद करता है। उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया कि वो तनाव मुक्ति के लिए योग का सहारा लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं। उन्होंने कहा मुझे अपने बारे में निजी बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ये भी सुनिए, जितने आप सख्त माने जाते हैं, गुलदस्ता नहीं, स्वागत नहीं, जल्दी से औपचारिकता खत्म करिए, मुद्दे पर आइए, एक संगठन में इतना सख्त एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है और निजी जीवन में आप एक मस्त बिंदास और बहुत जीवन को जीने वाले व्यक्ति हैं। देखिए ये सख्त अप्रोच नहीं है, संगठन के लिए बहुत जरूरी है कि समय का सदुपयोग किया जाए एक, और दूसरा ये सारी चीजें जो होती है वो बड़े बड़े गुलदस्ते वो चुनाव है तब तो ठीक है, मगर संगठनात्मक कार्यक्रमों में नहीं करने चाहिए जी, जी। जब चुनाव होता है एक माहौल बनाना होता है, एक मूड बनाना होता है, विजय के लिए पूरी फोर्स को ड्राइव करना होता है, तब ये सारी चीजें अपना एक स्थान भी रखती है, महत्व भी रखती है, परंतु जब संगठनात्मक कार्यक्रम हो, मेरा दृढ़ रूप से मानना है कि सीधे साधे होने चाहिए, सादगीपूर्ण होने चाहिए, भोजन भी सादगीपूर्ण होने चाहिए, स्थान भी सादगीपूर्ण होना चाहिए और कम से कम खर्च में कार्यक्रम होने चाहिए जी। जी, तो कुछ थोड़ा सा मंत्र दे दीजिए उन राजनेताओं को जो बहुत तनाव में रहते हैं चुनाव में, उनका रक्तचाप ऊपर नीचे होता रहता है, आप जब इतना सख्त शेड्यूल लेकर चलते हैं, अनुशासन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने को तनाव मुक्त करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान, योग या कुछ भिन्न जीवन शैली? चलिए मैं व्यक्तिगत बातों में जाना नहीं चाहता, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कमोबेश सभी कार्यकर्ता जिस दिन हमारी सरकार की शपथ होती है उससे दूसरे क्षण अगले चुनाव की तैयारी में लगते हैं, तो तनाव हम पर ज्यादा नहीं होता है, जो मौसमी राजनीतिक दल होते हैं जिनके लिए चुनाव के समय ही जनता याद आती है उनके लिए ये होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार 5 साल तक जनता के बीच में रहता है, तो हमारे लिए चुनाव में बहुत टेंशन नहीं होता है, हम हंसते खेलते मौज मस्ती से चुनाव को झेलते हैं, लड़ते हैं और विजयी होकर बाहर आते हैं। तो ये है अमित शाह, एक बेमिसाल राजनेता, एक थिंकर राजनेता, एक ऐसे राजनेता जो इम्पॉसिबल टास्क चुनते हैं और उसे फुलफिल करते हैं, उसे पूरा करते हैं, और यही वजह है कि समकालीन राजनीति ही नहीं बल्कि इसके पहले भी अगर आप चलें तो अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी से भी आगे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी नजर आती है। और निश्चित तौर पर अब जबकि एग्जिट पोल 350 के अनुमान जता रहे हैं और 4 जून अब ज़्यादा दूर नहीं है, 350 पार करके अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो वो नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी, यानी लगातार 3 बार केंद्र में सरकार बनाने का, कांग्रेस की सरकार बनाने का। और अमित शाह जी का तो दावा है कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाएगी, यानी पहली ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार होगी जिसने लगातार 4 बार सरकार बनाई। तो निरंतर इस जोड़ी का सफर जारी रहेगा, बहुत शुभकामनाएं अमित शाह जी को भी और बीजेपी को भी और नरेंद्र मोदी जी को भी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही, अगले एपिसोड में बात करेंगे भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की। नमस्कार।